राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके मद्देनजर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को किसान और मजदूर विरोधी बताया। बांसवाड़ा की रैली में सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब कर्नाटक में सिद्धरमैया और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने 24 घंटे में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दबाव में आकर योगी सरकार ने यह फैसला लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई अमीर या पूंजीपति बैंक जाता है तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप कितना कर्ज लेंगे। वहीं जब एक गरीब और मजदूर बैंक जाता है तो उसके लिए दरवाजे बंद होते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुला लेती है, लेकिन किसानों की आवाज को संसद में उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। रैली में जीएसटी को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। जीएसटी पर सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि यह गरीबों और छोटे कारोबारियों पर लादा गया टैक्स है। हमारी केंद्र सरकार केवल अमीरों का ध्यान रखती है और यही बीजेपी और आरएसएस की सच्चाई है। आपको बता दें कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर कर फायदा उठाना चाहती है। मौजूदा समय में देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन की आग है। मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक किसान सड़क पर है और जाहिर सी बात है कि इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।